चले प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट GKJS पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए बच्चों, आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSGD, उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन की बहाली आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम लोग टॉपिक जो लिए हैं बायोलॉजी के मानव दांत से, ह्यूमन टीथ से ये टॉपिक लिया गया है। मैं आपके पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी प्रश्नों को कवर कराऊंगा जो दांत से पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए होंगे वो चैनल को लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक ह्यूमन टीथ, मानव दांत की ओर, ठीक है ना, मानव दांत की ओर। आप जान रहे हैं कि आपके चेहरा को जो खूबसूरती मिलता है उसमें दांत का अहम रोल है। आपका चेहरा का जो गोराई है वो कुछ भी हो, अगर दांत नहीं रहेगा, दांत नहीं रहेगा आपके शरीर में, मुंह में, तो आपका चेहरा बड़ा बेडौल या बहुत बेकार लगेगा। तो दांत की सुंदरता आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाती है। तो चलिए दांत को हम लोग समझते हैं और इसको कैसे सुरक्षित किया जाएगा ये भी हम लोग उपाय देखेंगे। तो चलिए, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दांत को कैसे बचाया जाए, ये सब आपको टॉपिक में आज कवर कराया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है दांत से, ध्यान दीजिएगा, मानव दांत आज का टॉपिक है, बायोलॉजी के चैप्टर के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी। फिर से ध्यान दीजिएगा, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। अगला पूछेगा कि दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। दांत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दांत के निर्माण में, तो दांत के निर्माण में कठोर ऊतक सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दांत का जो निर्माण किया गया है वो कठोर ऊतक से किया गया, उसमें शामिल क्या क्या, ध्यान दीजिएगा, 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आपके दांत के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट का योगदान कितना है, 85%, और कैल्शियम कार्बोनेट का योगदान कितना है, 10%, और शेष जो है कैल्शियम क्लोराइड का है, शेष किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर से ध्यान दीजिएगा, दांत के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट पूछेगा कितना प्रतिशत, 85%, कैल्शियम कार्बोनेट पूछेगा कितना प्रतिशत, 10%, और कैल्शियम क्लोराइड बाकी शेष। तो आपका दांत किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड से, इसी को आप कठोर ऊतक भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मानव दांत के दो परत होते हैं, जो आपका दांत बना होता है वो दो परतों से मिलकर बना होता है। मानव दांत कितने परतों से मिलकर बना होता है, दो परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत इनेमल कहलाएगा और आंतरिक परत को डेंटाइन कहा जाता है। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन। फिर से ध्यान दीजिएगा, मानव का जो दांत है कितने परतों से मिलकर बना होता है, दो परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत को इनेमल कहेंगे और आंतरिक परत को डेंटाइन कहेंगे। अब डेंटाइन का जो संपर्क रहेगा वो तंत्रिका से रहता है, कहेगा डेंटाइन का संपर्क किससे रहेगा, तंत्रिका से। जो आंतरिक परत है उसका संपर्क किस होगा, तंत्रिका से होता है। अब इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो वो दांत का इनेमल होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनेमल जो है बाहरी परत है जो कि सफेद होता, उजला होता है, चमकीला होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दांत का ऊपरी बाहरी परत को जो क्या कहेंगे, इनेमल, और आंतरिक परत को डेंटाइन कहेंगे। और इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनेमल किसका बना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का। इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। इनेमल दांतों की रक्षा करता है। दांतों का रक्षा कहेगा कौन करेगा, इनेमल या डेंटाइन, तो इनेमल करेगा, क्योंकि बाहरी जो रहेगा वही ना रक्षा करेगा। तो बाहरी परत कौन होता है, इनेमल, तो दांतों का रक्षा कौन करेगा, इनेमल। और इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल बना किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा इनेमल से। और आंतरिक परत डेंटाइन, इसका संपर्क किससे रहेगा, तंत्रिका से रहता है।
आप ध्यान दीजिएगा, दांतों को नुकसान या टूट फूट, आपके दांत टूटते हैं या उसका जो नुकसान होता है उसका कारण क्या है? फ्लोरीन। हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके दांत का टूटने का, झड़ने का या उसका जो नुकसान किसी भी प्रकार का होता है उसका कारण क्या है? फ्लोरीन। उसका कारण क्या है? फ्लोरीन। अब टाइप्स ऑफ टीथ ध्यान दीजिएगा, दांतों के प्रकार हम लोग देते हैं, देख रहे हैं, तो दांत चार प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला कृंतक या छेदक, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंसाइजर्स कहते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या 8 है और कृंतक को ही स्माइल टीथ भी कहते हैं। जो आपका आगे का ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 दांत होता है वो ही कहलाता है कृंतक या छेदक। ये भोजन को काटने का काम करता है। आप कोई भी सेव वगैरह काटते हैं तो आप देखते होंगे, अमरूद खाइए, सेव खाते हैं तो आप आगे वाला हिस्सा से काटते हैं तो वह कृंतक या छेदक होता है, जिसकी संख्या कितना होगा? 8। इसको स्माइल टीथ भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपका बाहरी जो 4 दांत होता है आगे वाला वो नजर आता है, ठीक है ना। जिसको कहते भी लोग बतीसी दिखा के हंस रहे हैं, नहीं तो आप ध्यान दीजिएगा, कृंतक या छेदक की संख्या कितना? 8। और इसको स्माइल टीथ भी कहेंगे। और कृंतक का काम क्या होगा? भोजन को काटना। कृंतक का काम क्या होगा? भोजन को काटना। दूसरा आता है रदनक या भेदक। रदनक या भेदक ध्यान दीजिएगा, इसके संख्या 4 होता है। इसका संख्या क्या होगा? 4। ये भोजन को ध्यान दीजिएगा चीरने फाड़ने का काम करता है, खास करके मांसाहारी। ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता है, शेर है, तो आप देखेंगे ऊपर में जो किनारा में जो ऊपर 2 और नीचे 2 रहता है किनारा में, ठीक है ना। जिससे आप देखते होंगे गन्ना वगैरह आप चीरते हैं या कोई भी प्लास्टिक वगैरह जब आपको फाड़ना रहता है तो देखते होंगे यहीं से आप चीरते हैं। चीरने फाड़ने का काम जहां से करते हैं तो वो जानवर जो मांसाहारी जानवर रहते हैं उसमें वो नुकीला और बड़ा भी होगा, नुकीला और बड़ा भी होगा। मानव में थोड़ा सा छोटा होता है, तो मानव तो सर्वाहारी है, कोई खाते हैं माने लगभग लोग सर्वाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी भी होते हैं। सर्वाहारी जो मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं, और मांसाहारी केवल जो मांसाहारी जानवर जैसे शेर वगैरह है तो उसका वो थोड़ा क्या होगा? लंबा होगा। तो रदनक या फेदक केनाइन, इसकी संख्या कितना होगा? 4। ये भोजन को क्या करेगा? चीरने फाड़ने का काम करता है। अगला अग्रचवर्णक है प्रीमोलर, इसकी संख्या 8 है। प्रीमोलर इसकी संख्या 8 है। नोट करके आप लोग देखेंगे बच्चों में कौन दांत का प्रकार नहीं होगा, तब प्रीमोलर नहीं होगा। बच्चों में दांत 4 प्रकार का तो होता है, लेकिन कौन सा प्रकार बच्चों में नहीं होगा? तब प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, इसकी संख्या 8 होता है। भोजन को चबाना या पीसना प्रीमोलर का काम है, इसका संख्या 8 होगा। और कहेगा कौन सा दांत का प्रकार बच्चों में नहीं हो जाता है, तो अग्रचवर्णक जिसको आप प्रीमोलर कहते हैं, वो आगे वाला जो चबाने वाला होता है उसमें आपको प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। एक पीछे चबाते हैं और एक आगे चबाने का काम करते हैं, नुकीला से थोड़ा सा अंदर की ओर जो चबाते हैं भोजन को या पीसने का काम करते हैं वो अग्रचवर्णक का काम होता है, यह बच्चों में नहीं होता है। अगला चौथा चवर्णक, जिसको आप मोलर भी इंग्लिश में कहते हैं, इसकी संख्या 12 होती है। समझ लीजिएगा बच्चों में इसका 8 ही होता है, 4 है जो वयस्क में। ध्यान दीजिएगा बच्चों में सिर्फ कितना होता है? 8 होता है। और बच्चों में गायब कौन रहेगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों में गायब कौन रहेगा? तो आपका अग्र चवर्णक जो 8 होता है वो नहीं रहेगा, चवर्णक 8 ही रहेगा। चवर्णक क्या रहेगा? 8 रहेगा। तो बच्चा में 8 गिन लीजिएगा, बच्चा में दांत कितना? 8 और 8 16 अचार 20। बच्चा में दांतों का संख्या पूछेगा कितना? 20। बच्चों में दांतों की संख्या पूछेगा 20 और वयस्क में गिन लीजिए 8 और 4 12 अब 12 24 और 8 32। टोटल कितने दांत? 32 दांत होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कृंतक संख्या 8, स्माइल टीथ भी कहेंगे। रदनक या भेदक संख्या 4, हमेशा याद रखेंगे बच्चा में भी 4। ये देखेंगे कृंतक और रदनक संख्या बच्चा में पूछे या वयस्क में पूछे, हमेशा 8 और 4 रहेगा। अग्रचवर्णक 8 होगा वयस्क में, बच्चा में नहीं पाया जाएगा। चवर्णक संख्या 12 होगा, बच्चा में पूछेगा तो 8 होगा और वयस्क में पूछेगा तो 12, ठीक है। ये ध्यान, 4 प्रकार के दांत याद रखेंगे। इसका काम क्या होगा? भोजन को काटना। इसका काम है भोजन को चीरना या फाड़ना। मांसाहारी जानवर में ये आपका बड़ा रहेगा। कहेगा मांसाहारी जानवर में कौन सा दांत बड़ा रहेगा, तो रदनक या भेदक नुकीला और बड़ा रहेगा। अग्रचवर्णक और चवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का काम है भोजन को पीसना या चबाना।
ठीक है। अब हाथी के बाहर दिखने वाला जो दांत आप देख रहे हैं वो कृंतक ही होता है। कहेगा हाथी के बाहर जो दांत दिखाई देता है वो क्या होता है, तो कृंतक होता है। उसी को आप क्या कहेंगे, कृंतक कहेंगे। हाथी में बाहर दिखने वाले दांत को क्या कहेंगे, कृंतक कहा गया, ये याद रखेंगे। अब आप आगे देखेंगे, मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20+32=52 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन में दांतों का कुल संख्या 20 ऐसे दांत होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि दूध का दांत कहलाएगा, टेम्पोररी कहलाएगा, और ये जो आप 32 दांत देख रहे हैं वो परमानेंट होता है। फिर टूटेगा तो नया लगवाना पड़ेगा, अपने से नहीं आएगा, लेकिन दूध का दांत टेम्पोररी जो उसको अस्थाई कहते हैं वो 20 दांत 13-14 वर्ष अवस्था तक टूटकर वो दोबारा आ सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो टूट गया तो फिर दोबारा आपको नहीं आएगा, लगाना पड़ेगा। तो टेम्पोररी दांत कितना, 20, और परमानेंट 32, टोटल मिलाकर 52 दांत। तो मानव जीवन में कुल दांत कितना, 52। अब कहेगा, ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन में कितने दांत दो बार आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यही 20 दांत है जो दो बार आएगा। बच्चा में 20 होता है जो टूट जाता है फिर आता है, तो 20 दांत दोबारा आता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव जीवन में कितने दांत दोबारा जन्म दोबारा आएंगे, तो 20 दांत। बच्चा में कितना 20, वयस्क में कितना 32, और टोटल मानव जीवन में दांत कितना, तो 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब दांत का सूत्र ध्यान दीजिएगा, दांत का सूत्र कैसे लिखा जाता है, तो आगे समझिए, आई कृंतक को डिनोट करते, ध्यान दीजिएगा, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और उसी को नीचे बटा में दर्शाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, दांतों का जो सूत्र है 1/4 भाग में ही दिखा जाता है। दांत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखा जाता है, इसको चार हिस्सा में बांट के दिखाता है, ठीक है ना। तो दंत सूत्र में कितना भाग दिखा जाएगा, 1/4 भाग। तो अब देखेंगे इंसाइजर टोटल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 8, इंसाइजर टोटल कितना होगा 8, तो 8 का 1/4 करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 8 का 1/4 कितना 2। फिर ध्यान दीजिएगा रदनक या भेदक, इसको केनाइन कहते हैं, तो 4, तो 4 का 1/4 करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आपको अगर चवर्णक 8 होता, अगर चवर्णक कितना 8, तो 1/4 करेंगे कितना 2 हो जाएगा। और उसके बाद चवर्णक संख्या 12 होता, चवर्णक का संख्या कितना 12, तो 12 का 1/4 करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 21/23 व्यस्क में हो गया। ध्यान दीजिएगा इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको 1/4 से ही दर्शाएंगे, 1/4, संख्या 8 तो 2, संख्या 4 तो 1, संख्या 8 तो 2, संख्या 12 तो 3, 1/4 उसका ले लिया जाएगा। और जितना ऊपर उतना नीचे होता, तो 21/23 व्यस्क में। अब बच्चा में ध्यान दीजिएगा, 21 तक कोई बदलाव नहीं, कहने का मतलब है कृंतक और रदनक, कृंतक और रदनक बच्चा में और व्यस्क में दोनों में सेम होता है, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रीमोलर बच्चा में नहीं होता, इसलिए सुन हो गया, प्रीमोलर बच्चा में नहीं होता, और मोलर बच्चा में कितना होता 8, तो 8 का 1/4 करेंगे कितना 2, तब बच्चा में 21/02, और व्यस्क में 21/23, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दंत सूत्र एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के प्री में भी पूछा गया और एसएससी में एग्जाम में भी पूछा गया, एकदम 100% इस तरीके के सवाल आपको बनते हैं। तो दंत सूत्र द्वारा दांतों का कितना भाग दिखाते हैं, 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। अब अगला ध्यान दीजिएगा, पर बेहतर तरीके से समझ गए होंगे आप लोग, इसको बेहतर याद भी कर लीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा 21/23, 21/02, ये बच्चा में एकदम याद रखना आपको। पक्षियों का जो चोच है दांत का ही रूपांतरित रूप होता है, पक्षी में जो चोच आप देखते होंगे वो दांत का ही क्या है, रूपांतरित रूप है। पर जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता, जानवरों का जो ऊपरी जबड़ा है उसमें दांत नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे। जानवरों को ऊपरी जबड़ा जो होता है तो कहेगा दांत होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा का होगा, 44 गो। स्तनधारी में सबसे अधिक दांत सुअर और घोड़ा का होता है, कितना होता है, 44 गो होता है। मच्छर में आप आश्चर्य रहिएगा, जो दांत होता है वो 47, और डंक जो मारता है हम लोगों के शरीर पर बैठता है वही उसका दांत होता है। तो मच्छर में दांत का संख्या पूछेगा तो 47 हो जाएगा। गाय और भेड़ में पूछेगा 32, गाय भेड़ में कितना 32 होगा, मच्छर में 47, गाय भेड़ में 32 याद रखेंगे। टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, देखेंगे एग्जाम में जो पूछा गया,
टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या? सोडियम कार्बोनेट। दांतों को कैविटी से बचाने के लिए टूथपेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं? कैविटी देखते होंगे, कुछ खाते होंगे तो आपको झनझनाहट वगैरह जो महसूस होता है वही कैविटी कहलाता है। तो दांतों को कैविटी से बचाने के लिए टूथपेस्ट में किसका प्रयोग करेंगे? फ्लोराइड का। किसका प्रयोग करेंगे? फ्लोराइड का, क्योंकि फ्लोरिन, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिन के कमी से ही आपको दांत में टूट फूट होता है, ठीक है ना। तो दांतों को कैविटी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? फ्लोराइड का प्रयोग करेंगे। मानव जीवन में कितने दांत दो बार आते हैं? अभी बता रहे थे कितना दांत, 20 दांत। मानव जीवन में कितने दांत दो बार आएंगे? 20 दांत। मनुष्य में अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा गया था मानव मनुष्य में अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों की संख्या का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, अग्र चवर्णक कितना 8 और चवर्णक कितना होता है 12, तो 8:12 इसको काट देंगे 4 से तो 4 × 8 और 4 × 12 2:3 तो याद रखेंगे अग्र चवर्णक और चवर्णक का जो रेशियो होगा 2:3 होगा। अगला मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल होता है बच्चों। कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ पूछेगा कौन होगा, तो वो दांत का इनेमल होगा। तो दांत से जितना भी प्रश्न बन सकता था इससे बाहर आपको नहीं पूछा गया है अभी तक। आप इसको बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आगे भी काम देगा। तो बच्चों दांत पर जितने भी संपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको मैं समाप्त किया और हम लोग कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लेंगे, चैनल को मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।